जंगल शहरों के फेफड़े होते हैं। जंगलों, वनों और पेड़ पौधों के बिना हमारे शहर हांफने लगते हैं, उनकी सांसें फूल जाती हैं। वायु प्रदूषण के कारण शहर और शहर में रहने वाले लोग साफ हवा नहीं ले पाते। तो आज हम आए हैं संजय वन में। ये दिल्ली में स्थित है और दिल्ली का सबसे डेंसली पॉल्यूटेड सिटी फॉरेस्ट है। ये 443 एकड़ में फैला हुआ है और सबसे डेंसली जो है सिटी फॉरेस्ट माना जाता है दिल्ली का। और एक तरीके से देखा जाए तो ये ग्रीन लंग या फिर हरित फेफड़े की तरह काम करता है दिल्ली शहर के लिए। अगर आप यहाँ आना चाहें तो यहाँ का जो आसपास का मेट्रो स्टेशन है, मालवीय नगर है, ये जो इलाका है वो मेहरौली के पास पड़ता है, कुतुब मीनार इसके बिल्कुल बगल में ही स्थित है। ये जो संजय वन है ये सिटी फॉरेस्ट है और ये ओपन है, जैसे कि आप इसमें अगर आना चाहें तो कोई टिकट नहीं है। इसके अलावा इसमें जो वाइल्ड एनिमल्स हैं, जो बर्ड्स हैं और जो स्नैक्स वगैरह पाए जाते हैं, इसके अलावा जो छोटे मोटे कीड़े मकोड़े पाए जाते हैं वो सारे खुले में रहते हैं, जैसे कि जंगलों में रहते हैं। आप देखिए कि यहाँ पे बंदर दिख रहे हैं और नीलगाय हैं, यहाँ पे हिरन हैं और इसके अलावा लोमड़ियाँ हैं, तरह तरह के सांप हैं। तो एक तरीके से पूरा पारिस्थितिकी तंत्र जो है वो जंगल का है। इसमें अंदर जो है कई तरीके की खेती भी होती है जो DDA के द्वारा होती है, दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है, उसमें आयुर्वेदिक खेती होती है। इसके अलावा फूल कई तरीके के उगाए जाते हैं। और आप समझ सकते हैं कि जब ये 450 एकड़ में फैला हुआ है तो ये बहुत ही बड़ा है। अगर हम इसके अतीत की बात करें तो अभी हम जा रहे हैं लाल दीवार, यहाँ पे जो एरिया है अरावली का पूरा रेंज है वहाँ पे जा रहे हैं। ये लगभग 1200 साल पुरानी दीवार है, इसका पहला जिक्र 7वीं-8वीं सदी में मिलता है। और ये रही वो दीवार, इस पर अब हम ऊपर जा रहे हैं। यहाँ से आपको कुतुब मीनार दिखाई देगा और इसके अलावा ये पूरा जंगल जो है वो भी आपको दिखाई देगा, संजय वन का जंगल। अगर संजय वन के जंगल की इकोलॉजी की हम बात करें और इसके महत्व की बात करें तो ये जो जंगल है ये राजस्थान और हरियाणा से जो पूरा अरावली रेंज है और अप्रैल से लेकर के और पूरे मानसून तक जो हवाएं चलती हैं दिल्ली की तरफ उससे सिल्ट उड़ती है, जो छोटे छोटे कण होते हैं रेत के वो सिल्ट उड़ के दिल्ली की तरफ आती है। और जब सिल्ट उड़ती है आप जानते हैं डेजर्ट की, तो उससे होता यह है कि डिफॉरेस्टेशन जैसी दिक्कतें आती हैं, जो सॉइल की अपर लेयर है वो ख़राब होती है। इसके अलावा धूल के अपने नुकसान होते हैं शहर में, तो उन सारी चीज़ों से बचने के लिए और डेजर्ट को और अरावली की जो रेंज है उसको स्थिर करने के लिए, उसको संकुचित करने के लिए पूरा जो ये एरिया है वो ग्रीन बेल्ट बनाया गया है। देखिए यहाँ से आपको दिखाई देगा कि ऊपर आपको जहाज़ भी दिखाई देगा बगल में, क्योंकि एयरपोर्ट है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल और यहीं पे बगल में कुतुब मीनार भी है। तो जो मेहरौली का एरिया है वो दरअसल गुलाम वंश के पहले का, अगर हम इतिहास की बात करें तो उससे भी पहले का पूरा इलाका है। अब हम आगे चलते हैं इसमें और आप देखेंगे कि ये देखिए कुएं हैं, इसमें कुओं को ढक दिया गया है ताकि जो बाहर से लोग आते हैं वो इसमें गिरे ना, और इससे अब ग्राउंड वाटर रिचार्ज के काम इसको लिया जाता है। इसके अलावा इसके ऊपर पक्षियों के लिए जो यहाँ पे तरह तरह के लगभग 50 से अधिक तरीके के पक्षी यहाँ पाए जाते हैं, तो उनके लिए दाने वगैरह की भी व्यवस्था की जाती है रख के। और इस वन की खासियत ये है कि यहाँ पर आने के बाद आपको ये पता चलेगा कि आप दिल्ली में ही नहीं हैं, दिल्ली से कहीं बाहर आ गए हैं, क्योंकि अंदर ये बहुत ही घना है। अगर यहाँ पे और भी इकोलॉजी को हम समझना चाहें तो यहाँ पे जो एक पेड़ है जिसे कहा जाता है विलायती बबूल, और विलायती बबूल या फिर अंग्रेजी बबूल, ये देखिए सांप जो यहाँ पे पाए जाते हैं, तो विलायती बबूल जो है जिसका जिक्र हम कर रहे थे उसकी वजह से यहाँ पे ग्राउंड वाटर डिप्लीशन हुआ है, यानी कि भूजल स्तर कम हुआ है। इसके अलावा जो है विलायती बबूल की एक और खासियत होती है कि वह अपने आसपास दूसरे पौधों को पनपने नहीं देता। यहाँ पे कैक्टस भी लगा हुआ है, तो यहाँ से अरावली रेंज पूरी अच्छे से शुरू हो जाती है। यहाँ पे जो आपको ज़मीन भी दिखाई देगी वो वही रेतीली और उसमें पत्थर दिखाई देंगे उस तरीके से, और जो ज़्यादातर जो झाड़ियाँ हैं पेड़ पौधे हैं वो भी आपको डेजर्ट वाले ही दिखेंगे। तो ये जो है और भी ज़्यादा जो डेंसली एरिया है वो शुरू हो जाता है यहाँ से।
यहाँ पे तितलियाँ बहुत है, बहुत ही ज़्यादा तरीके की बटरफ्लाइज हैं, और हमारे पास जो भी एक सिंपल कैमरा है उसके द्वारा हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं, हम बिल्कुल आपको अंदर लेकर जाते हैं। यहाँ पे देखिए ये बहुत सारी तितलियाँ आपको दिखेंगी, और तितलियाँ इतनी ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं, आप और आप सब जानते हैं परागण का जो है 80% हिस्सा पूरे दुनिया का जो खाद्यान्न का है वो परागण के द्वारा ही होता है, और परागण बिना तितली और कीट पतंगों के हो नहीं सकता। तो ये वेटलैंड्स छोटे छोटे बने हुए हैं, और यहाँ पे ढेरों तितलियाँ हैं, आप देखिए खूबसूरत फूल हैं। और अभी जबकि ये अप्रैल का महीना है, अगर आप यहाँ पे जाड़ों में आएंगे तो यहाँ पे जो गार्डनर्स हैं और जो लोग रहते हैं वो बताते हैं कि यहाँ बहुत सारी तितलियाँ आती हैं। इसके अलावा यहाँ पे जो बाहर के पक्षी हैं जो साइबेरिया से और रूस से और यूरोप से, वो सारे पक्षी भी यहाँ पे आते हैं ठंडियों के दिनों में। तो ये तितलियाँ थी, अब हम वापस जा रहे हैं। यहाँ पे देखिए आप अरावली रेंज आपको दिखाई देगी, यहाँ से जो बिल्कुल सूखे पहाड़ होते हैं अरावली के वो आपको दिखाई देंगे। तो ये देखिए उसका एक नमूना। तो इकोलॉजी की दृष्टि से ये जो है बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, बाकी दिल्ली जैसे शहर में ये इसलिए भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि दिल्ली गर्म हो रहा है और वहाँ पे जो है पर्यावरण को लेकर के तरह तरह की चिंताएं जाहिर की जा रही हैं। इसके अंदर बहुत सुंदर सुंदर पार्क बने हुए हैं फूलों के, उन्हें सजाया गया है, और एक बड़ा एरिया ऐसे ही नेचुरली तरीके से इसमें छोड़ दिया गया है। ये देखिए ये आपको फिर 7वीं और 8वीं शताब्दी की एक झलक यहाँ पे देखने को मिलेगी। ये दीवार बनी हुई है और इसके अंदर घुसने की सुरंग है, इसे बंद कर दिया गया है। बहुत सारे लोग इस जगह को जो संजय वन है हॉन्टेड प्लेस के रूप में भी दिखाती है मीडिया, वो जो एक हाइप क्रिएट करने के लिए और इन सारी चीज़ों के लिए, लेकिन इकोलॉजी का इसका जो महत्व है उस पर ज़्यादातर लोगों का ध्यान नहीं जा पाता। और इसमें एक बहुत बड़ा तालाब भी है, और इस पे जो इकोलॉजिकल खतरे हैं उसमें से महत्वपूर्ण खतरा ये है कि संजय वन में जो है बहुत सारा सीवर का पानी दक्षिणी दिल्ली का आकर के गिरता है, तो उसको बायोलॉजिकली तरीके से ट्रीटमेंट किया जाता है, और ट्रीट करके उसे जो है फिर से वापस इस्तेमाल किया जाता है यहाँ पे गार्डनिंग में। ये देखिए ये वो पानी है जो ट्रीट करने के बाद यहाँ पे आया है, फिर भी इसके नीचे जो है आपको काला थोड़ा सा दिखाई देगा, और इसके पीछे वो तालाब है जहाँ पे ट्रीटमेंट होता है, और ये ट्रीटमेंट पूरी तरह से नेचुरल होता है, और जो आर्टिफिशियल वेटलैंड्स हैं उसके सहारे। ये हम आ गए हैं झील पे, यहाँ पे देखेंगे अभी आपको हम झील तक ले चलेंगे, और ये देखिए कैसे स्थिति बदली है। हर एक साल की फ़ोटो यहाँ पे लगाई गई है कि 2007 में कैसी स्थिति थी, फिर 10 में कैसी, फिर 2013 में कैसी थी, और वो स्थिति जो है दिन प्रतिदिन सुधरी है, तो उसको दिखाया गया है। और ये है आर्टिफिशियल वेटलैंड्स, इसके बारे में अगर हम बताएं तो ये आपको सिंपली पाइप के सहारे और उसमें जाली और बीच में बोतल डाल के बनाया जाता है, बहुत ही सस्ता होता है। आर्टिफिशियल वेटलैंड्स की खासियत ये होती है कि इसमें एक ऐसा पौधा लगाया जाता है जो हैवी मेटल्स को बायोलॉजिकली तरीके से इस पानी को पूरा साफ करता है, नेचुरली तरीके से, प्राकृतिक तरीके से और जैविक तरीके से ये पूरे पानी के जो जहरीले रसायन हैं, जो भी टॉक्सिक केमिकल्स हैं उनको साफ करता है, और इस पानी को इस लायक बनाता है कि इसका पुनर्चक्रण किया जा सके, फिर से इस्तेमाल किया जा सके। तो इसमें ऐसे सैकड़ों और हजारों बहुत सारे आर्टिफिशियल वेटलैंड्स बनाए हैं, और ये जनता के सहयोग से बनाया गया है। दिल्ली के आम लोग इसे बनाते हैं और बना करके इसमें छोड़ देते हैं। इसे बनाना बेहद आसान है, इसमें मैंने जैसा कि बताया खाली बोतलों का इस्तेमाल होता है, और इसमें लोग ले जा करके डाल देते हैं, और ये तैरते रहते हैं इस पे, और तैरते तैरते इसमें अभी आ नहीं रहे हैं पेड़ क्योंकि अभी नए बने हुए हैं, धीरे धीरे इसमें देखिए पत्ते दिखाई दे रहे हैं, ये पत्ते ऊपर जाएंगे और ये पूरी झील साफ हो जाएगी। तो ये थी हमारी ग्राउंड रिपोर्टिंग, आपको कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं।